आप जवान है, आपको क्या लगता है मुस्लिमों से खतरा है हिंदुओं को? नहीं, हमें कोई कुछ नहीं लग रहा है किसी से कोई खतरा है। -21,000 डिग्री के ऊपर खड़े होकर के ड्यूटी देने वाला सैनिक एक महीने के अंदर हाथ खड़े करने वालों में नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के सारे काम से आप खुश है ना? सारे कामों से नहीं, ये एक सर्विसमैन वाला जो है उससे हम खुश नहीं है। सरकार के हम साथ हैं, उनका एकदम अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम अपनी डिमांडों के आगे झुका के रहेंगे। जवानों को उनको मिनिमाइज किया जा रहा हर जगह, उनको अभी बॉर्डर पे तो जाते हैं होली दिवाली वगैरह, बट जो एक्चुअल होना चाहिए ग्राउंड में वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, बॉर्डर पे तो बोलते हैं जवानों को कि अपना हर चीज एकदम तैयार रखो, लेकिन जब दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में आके वो शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक भाई हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ अभी आर्मी के जो रिटायर्ड जवान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये लोग एक महीने से जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन इनकी मांग है। मेरा नाम सुबेदार राजेंद्र सिंह है, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। इस जंतर मंतर पर आए हुए मेरे फौजी भाई जो बैठे हैं, माताएँ बहनें विधवाएँ और सोशल मीडिया के पत्रकार, उनकी टीम का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनको नमस्कार। जो इतने दिन से बैठे हैं हमारे फौजी भाई, उनकी मांगें, अपनी मांगों को लेकर के, अपना अधिकार लेने के लिए, हम शांतिपूर्वक आदमी हैं, सेना के एक बहुत शक्तिशाली, भारत की सेना एक बहुत शक्तिशाली आदमी है और बहुत जवाबदार आदमी है। हम इतने दिन से बैठे हैं, हमें अपना जो बनता हुआ अधिकार है उसके लिए टिके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इतने दिन से सरकार, आज 33वां दिन हो चुका है। आपकी क्या मांग है पहले वो बताइए। हमारी मांगे हैं जो बराबर का अधिकार है, जो डिसेबिलिटी है, एक जवान को 30,000 रुपया मिल रहा है, पैर जिसका अंग चला गया, जो कि जिसकी कीमत का बेकीमत है, जिसे अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, समय निकल गया और उसको तो 30,000 रुपये मिल रहे हैं। कोफिशर का जो अंग चला गया कैसे न कैसे, वो 2,00,000 रुपये ले रहा है, ये अंतर। मतलब आपके जो बड़े पोस्ट पे जो अफसर हैं उसको 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, और आप लोग को जो नॉर्मल पोस्ट पे हैं उसको 30,000 रुपये। हाँ, एक तो रिसिबिलिटी में अंतर रखा जा रहा है, और जो हार्ड से हार्ड जगह होती है, गर्मी का टेम्परेचर, सर्दी का, बर्फ का, पहाड़ों का, उसमें भी काफ़ी अंतर रखा गया है। और जो हमारी जो माताएं बहनें जो विधवाएं हैं उसकी आज 14,000 रुपये पेंशन मिल रही है विडोज की, जिसका एक घर का मेंबर चला गया, उनसे पूछ कर देखो जिनके पास एक या दो बच्चे थे उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है। और आकर के आज तो आपको आपको लगता है प्रधानमंत्री आपकी बात सुनेंगे? 33 दिन से तो ऊपर हो गया, एक महीने से ऊपर हो गया, हमारे को पूरा पूरा विश्वास है। हम लोग यहाँ से तभी ख़त्म करेंगे जब प्रधानमंत्री से आश्वासन नहीं, वो पूरा उसके लिए जब करेंगे कि हाँ विसंगतियाँ दूर करेंगे और जवानों को अफसरों का एक जैसा करेंगे, तब तक हमारा चलता रहेगा। किसान भी धरना दे रहे हैं, मजदूर भी धरना दे रहे हैं, आप उधर देखिए नरेगा वाले धरना दे रहे हैं, इसलिए हम शांतिपूर्वक हिसाब से यहाँ अपना धरना दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चलेगा। और 2024 तक तब तो इंतजार कीजिए, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद ही आपके प्रधानमंत्री फिर सुनेंगे, वो जीत जाएंगे फिर। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, 2024 का चुनाव तो भी बहुत दूर है। एक सर्विसमैन का वो पहुंच चुका है कि आप इस तरह अपने डीएम एसडीएम को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए अपना मेमोरेंडम दें। तो मेमोरेंडम दे दिया, 3 अप्रैल तक उसकी डेट दी हुई है। 3 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे में किया जाएगा। कुछ को इग्नोर करते हैं, कुछ को समझते आप हैं, लोग को इग्नोर कर रहे हैं, यह सभी इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? जवान इतना महत्वपूर्ण अंग है, जवान महत्वपूर्ण अंग है, तो जवानों को उनको मिनिमाइज किया जा रहा है हर जगह, उनको अभी बॉर्डर पे तो जाते हैं होली दिवाली वगैरह, बट जो एक्चुअल होना चाहिए ग्राउंड में वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कई बार रजौरी पुंछ बॉर्डर वगैरह में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाते हुए देखा, रक्षा मंत्री को, वहाँ बॉर्डर पे तो बोलते हैं जवानों को कि अपना हर चीज़ एकदम तैयार रखे हो, इक्विपमेंट वगैरह, खुद भी एक्सरसाइज वगैरह से, हर चीज़ से, लेकिन जब दिल्ली में आ जाते हैं, दिल्ली में आके वो शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं।
उनकी फिर एक्टिविटी सब वहीं खत्म हो जाती है। जहाँ पे रहते हैं उससे उतना ही तक रहते हैं प्रधानमंत्री, जाके वहीं तक जाके बोलना उसके बाद शांत हो जाते, उसके बाद शांत हो जाते हैं। प्रधानमंत्री तो अभी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, चाइना को भगा दिया। प्रधानमंत्री बोलते हैं हम थे इसीलिए प्रधानमंत्री, चाइना भागे, सेना का इसमें कोई योगदान नहीं है। यहाँ धर्म और राजनीति और कास्ट क्रीड लैंग्वेज वगैरह से कोई मतलब नहीं है कि ये प्रधानमंत्री थे इसीलिए, नहीं तो चाइना तो घुस जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट हमने तो सुना नहीं, नहीं पीएम ने तो नहीं बोला। वो तो पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति वगैरह, उनसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ना हम सरकार का कोई इतना अपोज कर रहे हैं और ना ही सारे अफसर का, 5% अफसर या और राजनीति वगैरह वो हमारे फेवर में है। प्रधानमंत्री अभी जो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो बना ही रहे हैं, दूसरी बात राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया, ठीक है, चाइना को मुंह के बल गिरा दिया, हाँ ये सारे चीज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अभी आप लोग शांत बैठिए, 2024 में फिर से जिताइए। सरकार के हम साथ हैं, उनका एकदम अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम अपनी डिमांडों के आगे झुका के रहेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे सरकार। आपको लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी बात? अभी तो एक महीना हो गया। बिल्कुल सुने, एक महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप लोग बैठेंगे कब तक बैठेंगे? जंतर मंतर तो ये प्लेस है, यहाँ तो लोग कितने कितने महीनों तक बैठे रहते हैं। इसलिए हम शांतिपूर्वक और डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे। और आप जैसे मीडिया वाले जो भाई बंद हमारे हैं, वो हर चीज वहाँ तक पहुँच। सरकार अच्छा काम करिए, सरकार से खुश हैं आप? सरकार से बाकी हमें जिन चीजों से मतलब नहीं है, हम तो अपने बाकी चीजों से आपको क्यों नहीं मतलब? सरकार से खुश हैं? यहाँ पर हम डिफेंस पर्पज के लिए हैं, एक सर्विसमैन के पर्पज के लिए हैं, हम उन्हीं मुद्दों पे उन्हीं पे बातचीत करते हैं, बाकी राजनीति से, धर्म से, किसी से हमारा नहीं। तो अभी तो आप ही ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बॉर्डर पे आते हैं तो वो हमें आश्वासन देते हैं और दिल्ली आके भूल जाते हैं। हाँ तो वो एकदम उत्साहित और एक्साइटेड सबको, अपने जवानों को वो करने के लिए, वो तो होता है, हर सरकार का होता है कि अपने जवानों को उन सबको रखा जाए एकदम ऑन द स्पॉट के लिए रेडी रखा जाए। तो प्रधानमंत्री के सारे काम से आप खुश हैं ना? सारे कामों से नहीं, ये एक सर्विसमैन वाला जो है उससे हम खुश नहीं है। हाँ। बाकी जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं उन चीज़ों में, वो जैसा कर रहे हैं उससे कुछ भी। बट हम हमारी मेन पॉइंट है सारे अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है प्रधानमंत्री के लिए, एक तो उनको 2024 में जितना, दूसरी बात हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा मुद्दा है अभी देश के लिए। आप लोग कुछ नहीं उन चीजों में, उस चीजें से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू राष्ट्र वाले मामले से, ना हिंदू मुस्लिम मामले से, हमारे लिए तो पूरा देश हमारा अपना है। आप जवान है, आपको क्या लगता है मुस्लिमों से खतरा है हिंदुओं को? नहीं, हमें कोई कुछ नहीं लग रहा है किसी से कोई खतरा है। तो जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, अरे वो बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स, उनकी बात है, छोड़ो वो उनकी, आप अपने लेवल से, आप जवान है तो आपको पता होगा, आप लोग तो नहीं, हमको पता है लेकिन हम वहाँ तक उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। मैडम सैनिक एक देश का ऐसा व्यक्ति है जो कि कास्टिज्म के ऊपर एक भी कमेंट से नहीं कर सकता है हमारे लिए। आप लोग तो रिटायर हैं, आप लोग तो बोल सकते हैं। रिटायर हैं मैम, अगर कोई हम चीजों से बोलने, अगर हम कोई गलत चीज करते हैं तो लोग हमें मतलब बीजेपी सरकार बेमतलब की बातें करती हैं, आप ये कह रहे हैं? देखो हम इसको सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स से है, वो उनका मामला है। देखिए हमारे अपनी निजी डिमांड है जो उनके लिए आए हैं, हमें पॉलिटिक्स में की बातें करने से क्या फायदा। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक भाई हैं, सेना की एक मोटिव होता है, जिस तालाब में शेर पानी पीता है उसी तालाब में बकरी भी पानी पीती है, ये सेना का एक मोटो है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये है तो इसको ऐसा कर दो, ऐसा नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट तो बोल रही है ना कि हिंदू राष्ट्र सबसे पहले, गवर्नमेंट तो हम गवर्नमेंट तो नहीं है ना, गवर्नमेंट के अंग तो है इस देश के, अभी अंग का मतलब ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उनको सर्टिफिकेट दे दें, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम वी आर नॉट ए पॉलिटिशियन, हम एक सैनिक हैं, हमारी मांगे हैं, कुछ मांगे हैं, उन मांगों के लिए हम यहाँ पर आते हैं और आए हैं, आते रहेंगे। तो उसके लिए हम किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते कि आप ये हिंदू है तो इसके साथ ऐसे। इस सवाल का मेरे जवाब दीजिए, जब चाइना और इंडिया में लड़ाई हो रही थी अभी कुछ महीने पहले, तो उसमें बोला गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री है, इसीलिए जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, अदरवाइज नहीं दे पाते, इससे आप एग्री करते हैं? मैडम देखो इस बारे में ज़्यादा ना कहें तो वही अच्छा है। देखो सेना जब देश आज़ाद हुआ था तब भी अपना काम करती थी, आज भी काम कर रही है, आने वाले समय में भी काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप का जो असर पड़ता है वो दुनिया देख रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। लीडरशिप का असर पड़ता है या नहीं काम करने, जवान वैसा ही काम करती है या प्रधानमंत्री बदलने से जवान काम करती है? एक बात बताइए, डिसीजन पावर, टेकिंग पावर किसके पास होती है? डिसीजन टेकिंग पावर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो अब वही, इसीलिए मैंने कहा कि मतलब डिसीजन लेने वाले भैया आपको जो
ऑर्डर दिया जाता है उसको फॉलो, आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तो आखिरी सवाल, एक महीने हो चुके हैं आप लोग को, अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, जबकि वो जब भी चुनाव प्रचार प्रचार में जाते तो वो यही बोलते हैं किसान जवान ये सारे लोग जो युवा ये सारे लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो अभी आप लोग एक महीने हो गए हैं आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, आप इस पर क्या कहें? -21,000 डिग्री के ऊपर खड़े होकर के ड्यूटी देने वाला सैनिक एक महीने के अंदर हाथ खड़े करने वालों में नहीं होते हैं। ठीक है सरकार नहीं ले रही है या लेगी उसकी मर्जी, लेकिन सैनिक इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं होते हैं, ये मैं आपको तो आप लोग 2024 तक इंतजार कीजिए, दोबारा से प्रधानमंत्री को जिताइए, फिर आपकी बात मैडम हमारी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी डिपेंडेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा काम है हमारे हक को, जायज़ हकों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की नज़रों में और उनके कानों में ये आवाज़ डालना। बाकी सरकार के पास और काम भी है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन सैनिकों की सहन शक्ति और सैनिकों के जज्बे को कहीं कोई ये कैलकुलेट ना करें कि ये सरेंडर हो जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे। एक और सर थे अभी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बॉर्डर्स पे आते हैं, होली दिवाली हमारे साथ मनाते हैं, हमारा जो है हौसला उत्साह करते हैं, बिल्कुल होता है हाँ। तो फिर वो और बोल रहे हैं जब दिल्ली आते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा है क्या? ये तो आप कह रहे हैं मैडम कि ठंडे हो जाते हैं, उन्होंने बोला सर ने। देखिए अगर किसी टीम का लीडर या टीम का कैप्टन अगर टीम के बीच में जा करके खड़ा भी हो जाता तो टीम के अंदर जोश दुगना नहीं 10 गुना बढ़ता है। वो आपको मैं बताता हूँ, अगर उस टीम का लीडर उस टीम के साथ खड़ा हो जाता है, उनके कंधे पर हाथ रख लेता है ना, तो वो टीम जो है बिना लड़े भी जीतने की क्षमता रखती है। आपको लगता है प्रधानमंत्री आपकी बात सुन लेंगे? हम तो देश के सैनिक हैं, अगर हमारे बीच हमारा लीडर या हमारा टॉप कमांडर अगर हमारे बीच में आकर के हमें हौसला अफजाई करता है तो हम पाकिस्तान में लाहौर नहीं है पूरा इस्लामाबाद कराची तक कब्जा करने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए हम सैनिक हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा भी न ली जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। जितनी जल्दी हो सके तो इन भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को सुना जाए और इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।